सेंट पैट्रियार्क चर्च डलहौजी। लुक एट दिस फर्नीचर, कितना ओल्ड है, उसी टाइम का है, उसी टाइम का बना हुआ है ये फर्नीचर देखिए। और ये देखिए, ये कुंडियां उसी टाइम की हैं। ऊपर का वुड वर्क देखिए। फोटो खींचने फोन दो मेरा। ये देखिए कितने पुराने जमाने का फर्नीचर है ये। 1850s में ये चर्च बनी हुई है और उसी जमाने का फर्नीचर। और ये देखिए पैरों को रखने के लिए, यहाँ पर आप अपनी बुक रख सकते थे और यहाँ पर भी बुक रख सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। और ये बेसिकली बना हुआ है, ये देखिए ये बना हुआ है सोल्जर्स के लिए। तो सोल्जर्स अपने वेपन को यहाँ पर फंसाते थे, इसको लॉक करते थे और यहाँ पे भी अपने वेपन को रखते थे। ये देखिए सोल्जर्स के प्रेयर्स को मद्देनजर रखते हुए ये बनाई गई है चर्च। देखिए क्या शानदार कला का नमूना है ये। इसकी वुड देखिए आप, बहुत बढ़िया। ये देखिए खिड़कियों का काम, एक बराबर विंडोज हैं, ये विंडो और ये विंडो एक जैसी है। और ये देखिए ऊपर भी बैठने के लिए बना हुआ है, जो ऑफिसर्स या फैमिलीज होती थी वो ऊपर बैठती थी। और ऊपर जाने का रास्ता इस सामने के दरवाजे से है, पीछे से आप ऊपर जाएंगे और वहां आप बैठ सकते थे। ऊपर का काम बहुत ही शानदार है, वुड वर्क देखिए। ये देखिए स्लिपर्स हैं, ये लकड़ी के, ये उसी जमाने के हैं, अभी तक मजबूत हैं। और ये जो वुडन का आर्क आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से बनाया होगा, इसको लगाया होगा, अभी तक मजबूत है ये। और देखिए इसके ऊपर बहुत सुंदर कार्विंग भी कर रखी है। ये विंडोज रख रखाव उतना अच्छा अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसके मद्देनज़र ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, अद्भुत नमूना है इंजीनियरिंग का। और ये वाला आप क्रॉस सेक्शन देखिए, किस तरीके से सेमी सर्कुलर इस वुड को काटा गया है, आपस में मिलाया गया है और इसने ट्रस के फॉर्म में पूरे वेट को अपने ऊपर ले रखा है। और क्योंकि वुडन है, यहाँ पे ठंड पड़ती थी, यहाँ पर स्नो होता था तो बहुत ठंडा मौसम होता था, तो ये वुड जो है ये अंदर वार्म रखती है। और वो सामने का देखिए किस तरीके से पत्थर का काम कर रखा है, बहुत ही शानदार चर्च मैं बोलूँगा, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।